आज के टॉक का टाइटल है पोल खोल। जानते कैसे कहते? सीक्रेट रिवील करना। तो हम लोग तो फिजिक्स में नेचर का बहुत सीक्रेट रिवील करते हैं, तो क्या ऐसा बोलते हैं कि नेचर का पोल खोल रहे हैं? जनरली पोल खोलना जो शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं वो इस सेंस में होता है कि समथिंग विच वॉज अर्लियर इट वॉज सीक्रेट। नहीं नहीं रॉन्ग ऑल्सो, कुछ तो भी गड़बड़ है। भांडा फोड़ जैसे कहते ना, तो इस क्लोजर टू द भांडा फोड़। पोल खोलने का मतलब है कि कुछ तो भी गड़बड़ था जिसको कि अब समझ में आए कि अच्छा ये गड़बड़ हो रही है, तो उसको ठीक करना, उसको जानना, उसको कहते हैं कि पोल खोल रहे हैं उसके। तो मैग्नेट के विषय में एकदम बेसिक्स में आप शुरुआत करते हैं। जब पहली बार मैग्नेट पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं हम लोग मैग्नेट के बारे में, कहाँ से शुरू करते हैं? कितने पोल होते हैं मैग्नेट में? टू पोल्स होते हैं ना। क्या बोलते हैं उन पोल्स को? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कितने तरह के चार्जेस होते हैं? टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। और क्या करते हैं टू टाइप्स के चार्जेस? अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसी कारण से हम लोग कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। जो मैग्नेट के पोल्स कहे जाते हैं उसमें भी अट्रैक्शन होता है और रिपल्शन भी होता है, इसीलिए कहते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो वो देख लेते हैं अट्रैक्शन रिपल्शन हो रहा है कि नहीं इसमें। ये एक मैग्नेट यहाँ रखा है, ये एक मैग्नेट है, इसके पास ले जाते हैं, क्या किया? रिपेल किया, रिपेल किया ना। दूसरी तरफ वाले को ले जाते अट्रैक्ट, ठीक है। तो पोल्स अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और पोल्स रिपेल भी कर सकते हैं। मैग्नेट जो होते हैं उसके पोल्स कहाँ पर होते हैं? किनारे पे, बीच में, कॉर्नर पर होते हैं, स्लाइटली अंदर होते हैं। अच्छा, स्लाइटली अंदर होते हैं। देखते हैं थोड़ा इसको चिपका कर कहाँ चिपकते हैं। यहाँ तो चिपक गए बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, दूसरे साइड में देखें, दूसरे साइड में भी चिपक गए बहुत सारे। बीच में चिपकाएं, पूरे में ही कर देते हैं, जहाँ चिपकना हो चिपक जाओ, हैं? ठीक है, ये पूरा पिन भरा हुआ है इसके अंदर में, ढेर सारे पिन भरे हुए हैं, और हम इसको पूरे में इसको लोट पोट होने देते हैं, जहाँ चिपकना है चिपक जाओ। क्या बन गया? आर्क बन गया, ठीक है। लेकिन मैग्नेट पे देखो, मैग्नेट में कहाँ चिपका है? एंड पर ही चिपका है, बिल्कुल एंड पर ही चिपका है ना, एंड से बहुत क्लोज, थोड़ी सी दूरी में ही चिपका है। अदरवाइज बीच का सारा पोर्शन जो है वो खाली है मैग्नेट का। अब पिन से पिन, पिन से पिन, पिन से पिन चुपक करके उसने झूला बना दिया है झूलने के लिए, ऐसा ऐसा झूलने के लिए। अच्छा, तो पोल्स जो होते हैं वो एंड पर होते हैं और एंड से थोड़ा अंदर घुस करके होते हैं, ठीक है। हाँ, अभी तो मैं केवल जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, अभी मैं बहुत सारा बात करने वाला हूँ, पोल खोलना है ना मुझे। तो बीच में कुछ नहीं है, जो पोल है सो यहाँ इस किनारे पे है, थोड़ा अंदर घुस करके, वहाँ उस किनारे पे है, थोड़ा अंदर घुस करके, और बीच में कुछ नहीं है। लेकिन बीच में से इसको कट कर दे तो नॉर्थ पोल साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे, और जहाँ कट करेंगे वहाँ से फिर थोड़ा अंदर घुस करके, इधर थोड़ा अंदर घुस करके क्रिएट होंगे। हाँ, ठीक है, चलो भाई, कट कर सकते हो क्या कोई मैग्नेट? आइए दीपक जी, कौन सा मैग्नेट है आपका? ये मैग्नेट है, करना
करना है, मैग्नेटाइज करना है, कर दीजिए थोड़ा। कितनी बार रगड़ने से मैग्नेटाइज होना चाहिए? हाँ, 30। इन्होंने कितनी बार रगड़ा? देखें हो गया क्या? कंपास, ये देखो, ये कंपास है ना, ये देखो, इसको मैं इस एंड पे ले जा रहा हूँ, अट्रैक्शन हो रहा है, और इसको मैं उधर साउथ, इसके नॉर्थ वाले के साइड में ले जा रहा हूँ, क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है ना। अट्रैक्शन से पता नहीं चलेगा कि ये मैग्नेट है कि नहीं, क्यों? अगर सीधे सीधे आयरन होता तो भी ये अट्रैक्ट कर सकता था, दोनों एंड से अट्रैक्ट करता, लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है का मतलब है कि ये खुद एक मैग्नेट है। तो पिन लगा के देख लेते हैं फिर से। अच्छा, वो ये बताओ कि हमारे पास एक और मैग्नेट है, ये देखो, ये भी मैग्नेट ही है, ये है ना मैग्नेट, इधर से भी है, आयरन भी हो सकता है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये मैग्नेट है कि नहीं, देखना चाहता हूँ। नहीं है? चलो कंपास से अगर रिपेल किया तो मैग्नेट है, देखते हैं। रेड की तरफ तो आराम से, कोई झंझट नहीं है, लेकिन वाइट के पास लाओ इसको, देखो क्या कर रहा है, वाइट को भगा दिया, कर दिया नहीं पहले, तो मैग्नेट है ये। अच्छा, अगर ये मैग्नेट है और इसको मैं लटका दूं तो क्या करेगा ये? हाँ, और इसमें एक और खास बात दिखाएंगे अभी आपको, अभी ठीक है क्या? अभी कुछ प्रेफरेंस दिख रहा है? मैं थोड़ा ऐसे घूम जाऊं क्या? पर इसको क्या बहस है, मुंह पर भी कहां से पकड़ रखे, ये देखो टिका है यहां पे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसको कोई प्रेफरेंस नजर नहीं आ रहा, जिधर रोक दो उधर ही रुक जाएगा। चलो इसके एक और तमाशा दिखाते हैं आपको। ये मैग्नेट है पक्का ना, ये देखना किसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है, तो ये कौन सा पोल है? इसको पलट दूं? पलट, देख रहे हो पलटते हुए, पलट दिया मैंने, अब किसको अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ? देखो ये किसको अट्रैक्ट कर रहा है, देखने क्या कर रहा है, किसको किया, और ये मैं मैग्नेट पलट रहा हूं, देखना पलट दिया, अब देखो अब किसको कर रहा है, अभी भी उसी को, नॉर्थ को, तो ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन रिपेल तो करता है भैया, इसको दूसरे वाले साइड पर तो ये ले जाओ, तो देखो ये दूसरे साइड पर तो जाने को एकदम तैयार ही नहीं है। इसमें दो मैग्नेट हैं, इस पोल के अंदर मैग्नेट लगाए गए हैं। अच्छा, तो हाँ, अच्छा देखो, इन्होंने ये अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि इनके पास एक ही पोल का मैग्नेट है, उठा रहा है, बहुत भारी है, बहुत भारी है ना, फिर भी उठा लिया, दूसरे साइड में खराब हो गया मैग्नेट। हाँ मैग्नेट तो है, लेकिन जो पोल है दूसरे साइड का खराब हो गया, एक साइड खराब हो गया होगा ना, तो मैग्नेट में ऐसा हो सकता है कि एक साइड खराब हो दूसरा साइड ठीक रहे, तो एक साइड खराब हुआ है इसका,
ये मैग्नेट का एक पोल खराब हो गया है, दूसरा पोल अभी जिंदा है। यहाँ रखो भैया, ये पकड़ो, यहाँ से उठाओ इसको आराम से, धीरे से धीरे से धीरे धीरे उठाओ, बिना झटका मारे। हाँ उठाओ उठाओ, खड़ा कर दो, उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो, हाँ खड़ा करो खड़ा करो, कर दो खड़ा। हाँ अच्छा, दूसरा साइड पलट करके जाओ, कुछ फर्क लग रहा है? नहीं, इस साइड में और उस साइड में पता चल रहा है? देखो ये झुला रहा है फिर भी नहीं गिर रहा है। और दूसरे उधर से करो, उधर से करो, अब झुलाओ जरा, दूसरे साइड से झुलाओ उसको। तो यानी तुम ठोक पीट करके, उठा पटक करके उसका एक पोल जो है उसको डैमेज कर सकते हो। अंत में तुम्हारे पास एक ऐसा मैग्नेट बच सकता है जिसके दोनों पोल्स के स्ट्रेंथ बराबर नहीं है, ठीक है क्या? अंत में मैंने कुछ भी किया, ठोका पिटा, गर्म किया, ठंडा किया, कुछ भी किया, अब मेरे पास एक ऐसा मैग्नेट है जिसके दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ बराबर नहीं है। हाँ क्या जुड़ा हुआ है? एज्ड हो गया है, एक्सपायरी डेट आ गई उसकी। तो यानी एक जो मिथ है कि किसी मैग्नेट के दोनों पोल का स्ट्रेंथ बराबर होता है, वो मिथ है, वो रियलिटी नहीं है। ऐसे मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, जिनका एक पोल स्ट्रांग हो और दूसरा पोल जो है सो उसकी तुलना में वीक हो, राइट? पोल स्ट्रेंथ बराबर होना जरूरी नहीं है। मैग्नेट को काटने से क्या होता है? नए मैग्नेट निकल आते हैं ना। इसको हम लोग एक बहुत आराम से ह्यूमन मैग्नेट बना करके समझ सकते हैं। आप जरा यहाँ खड़े हो जाइए, तो आकर के सभी लोग, पूरी रो, दो रो, दोनों रो आ जाओ, ऐसे यहाँ तक आओ, यहाँ तक आओ, और इधर को मेरे तरफ मुंह करके खड़े हो, एक के पीछे एक, ऐसे, हाँ एक के पीछे एक, लास्ट तक, बस बस बस, ठीक। अब देखो, आप ये सोचो कि जो फेस है वो नॉर्थ पोल है, ओके, और जो बैक है वो साउथ पोल है। तो अभी इस ये मैग्नेट बना हुआ है, और इस मैग्नेट में इधर का पोल ये वाला, और ये दोनों पास पास होने के कारण से इनका इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो रहा है, ओके, एक दूसरे को निष्क्रिय कर रहे, कैंसिल कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ यहाँ है और नॉर्थ यहाँ है, और ये अगर सट करके हैं, अश्यूम करो ये एकदम सट करके हैं, तो नॉर्थ और साउथ चूँकि एक ही जगह पर हैं, सट करके हैं, तो नॉर्थ और साउथ का आपस में मिलकर जैसे प्लस माइनस मिलकर ज़ीरो हो जाता है, वैसे यहाँ का पोल जो है, पोल स्ट्रेंथ वो ज़ीरो है। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ साउथ। अगर ये देखो बैक आ गया ना, तो बैक साउथ था और फेस नॉर्थ था, तो ये मेरा एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, जिसमें वो एंड नॉर्थ पोल का एंड है, ये साउथ पोल का एंड है। और अगर हम कट करते हैं, ये कट कर दिया हमने, ये हमने कट कर दिया, बस बस, आप कौन जा रहे हो? आप वहीं रहो, यहाँ से कट किया, वहाँ से नहीं किया। तो अब क्या हो गया? ये तो नॉर्थ है, यहाँ, 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 यहाँ साउथ अपीयर हो गया ना, पहले साउथ नहीं था, ये साउथ अपीयर हो गया, और यहाँ ये नॉर्थ अपीयर हो गया, फिर ज़ीरो 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 साउथ, ठीक है? आई बैठ, थैंक यू, ओके। सो ये जो बीच में से कट करने पे नॉर्थ साउथ अपीयर होता है, उसकी ये कहानी है, राइट? हाँ, इस तरह से काटेंगे, फिर से बना लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ, दोनों 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 रो, इधर वाले भी दोनों रो आ जाओ, हाँ इधर खड़े हो जाइए, आइए आइए आइए,
थोड़ा सा इधर हट करके खड़े होइएगा, थोड़ा नहीं थोड़ा सा इनके लिए भी जगह छोड़ना है। एक एक रो बनाओ, पूरा पूरा एक के पीछे एक रो बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ। चलो पूरी दूर तुम लोग आओ, यहाँ पे दूसरी रो बनाओ, पीछे एक के पीछे एक, एक के पीछे एक। सही है। अब ये नॉर्थ पोल है, ये पूरा नॉर्थ, पूरा फेस जो है, पोल जो होता है उसका कुछ एरिया होता है ना, फाइनाइट एरिया, तो ये इतना बड़ा एरिया है ये नॉर्थ पोल का, ठीक। और साउथ पोल जो है उसका भी इतना बड़ा एरिया है, एक ज़्यादा है ओके चलो बराबर हो जाए थोड़ा, ये भी इतना बड़ा एरिया है। बीच से काटते हैं, देखो जैसा तुमने बोला था वैसे काट रहे हैं हम, ये देखो वैसे काट दिया। अब क्या हो गया, एक ये मैग्नेट हो गया, अब ये तो सेपरेट हो गए हैं, कट गए हैं, तो ये दूसरा मैग्नेट हो गया। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल पीछे है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, नए पोल्स क्रिएट नहीं हुए हैं, एक मैग्नेट का दो मैग्नेट हो गया है, पोल स्ट्रेंथ कम हो गई है। वो पोल्स तो मेरे बनाने पर होते हैं, उसकी शेप से पोल डिसाइड नहीं होता है, पोल मैं बनाता हूं ओके। आपके पास एक क्यूब के शेप का है, सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन वाला है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला है, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन वाला है, रिंग टाइप का है, बीच में खोखला है, एक स्फीयर है आयरन का, उससे मैग्नेट के पोल डिसाइड नहीं होंगे, वो तो आयरन का पीस है। मैग्नेट तब बनेगा जब हम उस पर कुछ रगड़ा रगड़ी करेंगे, कुछ उसके साथ प्रोसेसिंग करेंगे, तब तो मैग्नेट बनेगा ना। और वो प्रोसेसिंग हम कैसे करेंगे, दैट विल डिसाइड कि उसमें पोल्स कहाँ जा रहे हैं। क्यूब में तो और भी है, मैं इधर से रगड़ूंगा तो ऐसे ऐसे पोल्स बनेंगे, उधर से रगड़ूंगा तो वैसे वैसे बनेंगे, उधर से रगड़ूंगा तो वैसे वैसे बनेंगे। तो इट्स अप टू अस, एट द टाइम ऑफ मैग्नेटाइजिंग वी डिसाइड कि हमें कैसे उसको मैग्नेटाइज करना है, उसको उसको कहते हैं चार्जिंग करना, जो कॉमर्शियल भाषा है वो लोग कहते हैं कि हम मैग्नेट को चार्जिंग कर रहे हैं, मतलब पोल्स बना रहे हैं। आप किधर से उसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, किस प्रकार से उस पर आप मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो या चार्ज रगड़ रहे हो या क्या कर रहे हो, उसके अनुसार आप भांति भांति के स्ट्रक्चर बना सकते हो। इट्स नॉट कि किसी मैग्नेट में दो ही पोल होने चाहिए, जरूरी है कि दो ही हों, इट डिपेंड्स हाउ आई चार्ज इट, हाउ आई मैग्नेटाइज इट, हम कैसे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, हम उनके अंदर के एटम्स को हम कैसे ओरिएंट कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उसके पोल्स आपको दिखेंगे। लेकिन अब हम किसी और प्रश्न को उठाते हैं, और वो उठाते हैं कि ये पोल्स में और जहाँ पोल नहीं है उसमें फ़र्क क्या है, ये पोल में क्या स्पेशलिटी है कि वो अट्रैक्ट करता है और जहाँ पोल नहीं है वहाँ अट्रैक्ट नहीं करता है, ये पोल होते क्या हैं।